हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरे फैमिली फंक्शन का वीडियो। तो ये जो वीडियो है मेरी भांजी की इंगेजमेंट का वीडियो है और इंगेजमेंट के लिए हम सब लोग जा रहे हैं कानपुर। और इस तरीके से पूरी फैमिली जब साथ में जाए तो क्या कहने, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और फर्स्ट टाइम मैंने इतना अच्छा सफ़र किया। मुझे वैसे बस वगैरह में उल्टी होने लगती है, बट आज मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई और बहुत मजे से मैं कानपुर पहुंची। और सब लोग साथ में हो तो मतलब पूरा रास्ता कहाँ चला जाता है, समय जो है कुछ पता ही नहीं चलता है। सबने बहुत मस्ती की, पूरे रास्ते सब लोग एंजॉय करते हुए पहुंचे। और यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग होटल में आए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने अपने हाथ मुँह धुला, फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, फिर हम सब लोग रेडी होकर आ गए हैं हॉल में। तो ये 8th फ्लोर पर हॉल था बुक। तो यहाँ पर सभी गेस्ट आ चुके हैं, लड़के वाले भी आ गए हैं और हम सब लोग तो आए थे साथ में, तो सब लोग बस रेडी होकर यहाँ पर पहुँचे। और बहुत अच्छा लग रहा था, सबसे मिलना भी हो रहा था और दीदी ने काफ़ी सारे लोगों से मिलवाया। और अभी हम लोग यहाँ पर जो टेबल्स थी तो यहाँ पर बस साइड में बैठे हुए थे, साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है स्टार्टर इंजॉय करना शुरू कर दिया था। और ये मेरी भांजी है और यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, तो जो हमारे यहाँ पर रिक्शा बोलते हैं वो हो रही है इस समय। तो यहाँ पर ये मेरे भांजे हैं ब्लू सूट में, और ये जो क्रीम सूट में दिख रहे हैं ये हमारे नए जमाई जी हैं। और यहाँ पर हम सबका फ़ोटोशूट भी चल रहा था और हम सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। ये एक और मेरी भांजी हैं और यही मेरी दीदी हैं जो दोनों लोग दिख रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग कुछ इस तरीके की थी कि जैसे बहुत ज़्यादा वैसी वाली रोशनी नहीं थी, तो थोड़ा सा दूर से जैसे अंधेरा जैसा ही आ रहा था। तो यहाँ से स्टेज काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है और मैं आप सबके साथ यहाँ पर म्यूज़िक लगाकर इस वीडियो को एंजॉय कराऊंगी। और मैं कैसी लग रही हूँ, और यहाँ पर ये देखिए काव्या को मैं कैप्चर कर रही थी, बच्चे तो ढूंढने ही नहीं मिल रहे थे। और जो और भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं कानपुर में, लखनऊ में, सभी लोग आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ है, बहुत सारे लोग। मेरी बुआ जी हैं, मेरी बुआ सास हैं, सब लोग हैं, सबसे मिलना हुआ। और मेरी ननद हैं बुआ जी के साथ, अभी मैं आपको कैमरा और पास करके दिखाऊंगी। हाँ, और ये मेरी, ये भी बुआ जी हैं ग्रीन साड़ी में, और ये इधर और भी लोग हैं। और यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा पास से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब मैंने ये वीडियो आगे से लिया तो फिर थोड़ा सा क्लियर आ रहा था। ये मेरी ननद और मेरी बुआ जी है रेड एंड जो साड़ी में है, और इसके साथ ही फूफा जी हैं, जिया जी हैं और भी सारे लोग हैं। तो आप सब इन्जॉय कीजिए। ये मेरी पूरी ननद की फैमिली है, सब दीदी लोग हैं, बहुएं हैं, और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं साइड में और भी, और ये मेरी भांजी और भांजी बहू है। तो चलिए भाई, आप सब इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को।
और ये हमारे यहाँ पर गोद भराई की रस्म होती है शादी से पहले, उसी रस्म को पूरा किया जा रहा है। तो ये लड़के वालों की तरफ से हैं, जो भी लोग लेडीज़ हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो अभी मेरा सबसे इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से नहीं है, तो सभी लोग वन बाई वन करके यहाँ पर गोद भराई करेंगे। यहाँ पर जो रिंग एक्सचेंज होती है, एंगेजमेंट हो चुकी है और अब बारी आती है यहाँ पर केक कटिंग की। और इसके बाद हमारे जो कपल है, स्वीट कपल, इनका एक बहुत ही प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। सब ने बहुत मस्ती की, बहुत धमाल किया, बहुत अच्छा लगा। टाइम मतलब कहाँ हम लोगों ने पूरा बताया पता भी नहीं चला, और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। तो आई होप आप सब भी इस वीडियो को बहुत इन्जॉय करेंगे। तो प्लीज़ आप सब इंजॉय कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
यहाँ पर बहुत सारा डांस मस्ती धमाल हो चुका है। फिर उसके बाद सभी लोगों ने वन बाई वन करके फ़ोटोशूट कराया और मेरा भी हो गया है। और मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अपना वीडियो निकलवा लेती। और इसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ डिनर, तो यहाँ पर मैं अपना खाना सर्व करूँगी और इसके बाद या आपके साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगी, क्योंकि अब नाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लगभग रात के 12:30 बज गए थे यहाँ पर, और ये मैंने मेरा खाना लगाया। तो बस अब यहाँ पर थोड़ी सी थकान सी लगने लगी थी, क्योंकि आज का पूरा दिन बस ऐसे ही चला गया। सफ़र किया, फिर उसके बाद फंक्शन पूरा इंजॉय किया, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आया। तो ये हमारे भैया, चाचा, चाची सब लोग हैं साथ में। और कैसा लगा वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और इसी तरीके से मेरी लाइफ की कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। आई रियली होप आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें एंड कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।